हतो अप्रापसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महि तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, यदि विजयी हुए तो धरती का सुख भोगोगे, इसलिए उठो कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश उस समय अर्जुन को दिया था जब वह युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे। कहने का अर्थ है कि जब शांति व समझौते के सारे मार्ग बंद हो चुके हों, धर्म व स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका हो और लड़ना ही एकमात्र विकल्प रह गया हो, तो उस समय शांति की बात करना कायरता तो है ही, साथ ही सबसे बड़ी मूर्खता भी है। क्या धर्म और अधर्म के बीच कभी समझौता हो सकता है? क्या देवों और दानवों के बीच कभी शांति रह सकती है? क्या भारत और तालिबान की कभी मित्रता हो सकती है? जिस तरह आग और पानी का कभी मेल नहीं हो सकता, उसी तरह धर्म और अधर्म के बीच कभी समझौता नहीं हो सकता। आजकल पूरा विश्व, खासकर यूरोपीय देश, आंतरिक कलह और अशांति से जूझ रहे हैं, जिसका कारण एक कट्टर विचारधारा है। और इसका परिणाम यह हो रहा है कि यूरोपीय देशों में सनातनी विचारधारा का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक खास विचारधारा के खिलाफ लोगों में नकारात्मकता बढ़ रही है। आखिर क्यों और कैसे हो रहा है यह सब, और आखिर कैसे यूरोप ने एक विशेष विचारधारा के खिलाफ ऐलान कर दिया है संघर्ष का, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों यूरोप में जहां इस्लाम के प्रति नाराजगी है, वहीं हिंदू धर्म के प्रति लोग स्वतः आकर्षित हो रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ चुका यूरोप क्या सनातन की शरण लेने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूरोपीय देशों में गीता के मंत्र गूंज रहे हैं। भगवान शिव के भजन गाए जा रहे हैं। सड़कों पर हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। और इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि कई यूरोपीय देशों में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिनमें ना केवल भारतीय बल्कि वहां के स्थानीय निवासी भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। जरा आप यह वीडियो देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं कि इस वीडियो में हजारों स्थानीय नागरिक कृष्ण भक्ति में झूम रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो देखिए, इस वीडियो में राह चलते स्थानीय नागरिक स्वतः हरिनाम संकीर्तन में शामिल होकर नाच गा रहे हैं। यूट्यूब पर ऐसे हजारों वीडियोस मौजूद हैं जिनमें यूरोपीय नागरिक स्वतः ही हरिनाम संकीर्तन से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हजारों यूरोपीय नागरिक शांति की तलाश में केवल भारत का ही रुख करते हैं, दूसरे देशों का नहीं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई यूरोपीय नागरिक मानसिक शांति और अध्यात्म की तलाश के लिए अरब देश चला गया हो? क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने मानसिक शांति के लिए खुशी खुशी इस्लाम धर्म अपना लिया हो? क्या सनातन धर्म और इस्लाम की कभी तुलना हो सकती है? हरिनाम संकीर्तन और जगन्नाथ रथ यात्रा के वीडियोस तो आपने देख लिए, अब जरा यह वीडियो देखिए। एक और वीडियो देखिए, इन वीडियोस को देखकर आपको क्या लगता है, क्या कोई स्थानीय इनके साथ शामिल हो सकता है? विचार अवश्य कीजिएगा। दोस्तों हरिनाम संकीर्तन से आपसी प्रेम उत्पन्न होता है जो लोगों को आकर्षित करता है, जबकि दूसरी तरफ यह एक शक्ति प्रदर्शन है जो लोगों में दहशत उत्पन्न करता है। कट्टरवादी विचारधारा से न केवल भारत बल्कि पूरा यूरोप अब त्रस्त है, परंतु जो लोग अपने इतिहास से सीख नहीं लेते वह स्वयं एक इतिहास बन जाते हैं। ईरान कभी पर्सिया हुआ करता था जहां पारसी लोग रहते थे, परंतु आज वहां एक भी पारसी नहीं है। अफगानिस्तान भी कभी
आर्याना कहलाता था, परंतु अब वहाँ एक भी हिंदू नहीं रह गया। इसी तरह आजादी से पहले पाकिस्तान व बांग्लादेश भारत देश के अखंड हिस्से थे, जो धर्म के आधार पर अलग हो गए, और ऐसा ही डर अब यूरोप को सताने लगा है। तो क्या मुस्लिम चरमपंथ अब यूरोप को यूरोविया बनाने की ओर बढ़ चुका है? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि हाल ही में फिलिस्तीन के एक मौलाना का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो धमकी देता हुआ दिख रहा है कि फ्रांस एक दिन मुस्लिम देश बन जाएगा। हालांकि यह वीडियो 3 साल पुराना है, किंतु फ्रांस के दंगों के दौरान यह काफी वायरल हुआ, जिसने यूरोप और इस्लाम की खाई को और चौड़ा कर दिया है। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार वर्ष 2050 तक यूरोप के कुछ देशों में मुस्लिम आबादी 25% से अधिक होगी, जिससे संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा। गौरतलब है कि फ्रांस में मुस्लिम आबादी मात्र 9% है। इसके बावजूद दंगों में पूरा फ्रांस जल उठा है, भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतिहास साक्षी है कि जिन समुदायों ने स्वयं के अस्तित्व को बचाने का प्रयास नहीं किया, उनका नामोनिशान मिट गया। यूरोप में पुनर्जागरण के बाद समाज से धर्म बाहर हो गया और धर्म निरपेक्षता हावी हो गई, जबकि मध्य एशिया में आपसी संघर्ष के बीच इस्लामिक कट्टरपंथ लगातार बढ़ता गया। आंतरिक कलह से त्रस्त होकर जो मुस्लिम खाड़ी देशों से निकल कर आए, यूरोप ने उन्हें शरण दी। यूरोप की यही धर्म निरपेक्षता अब यूरोप पर भारी पड़ गई है। यही कारण है कि यूरोप अब अपनी उदारवादी छवि से बाहर निकलना चाहता है। इस्लाम के खिलाफ यूरोप में इस कदर गुस्सा बढ़ रहा है कि लोग अब प्रतिकार करने लगे हैं। बीते कुछ वर्षों की घटनाओं को देखें तो यह प्रतीत होता है कि यूरोप अब मुस्लिम चरमपंथ से ऊब चुका है। सरकारें व समाज दोनों उनका प्रतिकार करने लगे। स्वीडन में बकरीद के दिन कुछ लोगों द्वारा कुरान जलाया जाना यह दर्शाता है कि उन्होंने इस्लाम को नकारने और उससे लड़ने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया। इसी तरह जर्मनी में मुस्लिमों की संख्या आबादी का 5% ही है, किंतु वहां भी अब इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों में तेजी आ गई। ऑस्ट्रेलिया में 2020 में हुए आतंकी हमलों के बाद वहां के मंत्री सुसैन रॉब ने तो मैप ऑफ इस्लाम नामक वेबसाइट ही लॉन्च कर दी, जिसमें देश में मौजूद सभी 620 मस्जिदों, इमामों आदि के नाम पते ही सार्वजनिक कर दिए गए, जिससे मुस्लिम समुदाय में भय व्याप्त हो गया। इसके अलावा डेनमार्क ने भी मुस्लिम चरमपंथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन में भी मुस्लिम अब बहस के केंद्र में है, और यह बहस उनके प्रति बढ़ रहे गुस्से का प्रतीक है। इसी तरह इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जो मस्जिदों के बाहर नमाज पर रोक लगाएगा। साथ ही मस्जिदों को आदेश दिया गया है कि वह इटालियन भाषा में अजान दे, ताकि स्थानीय लोग उसे समझ सकें कि आखिर कहा क्या जा रहा है। एक तथ्य यह भी है कि वैश्विक जिहाद और मुस्लिम चरमपंथ के चलते पढ़े लिखे मुस्लिम इस्लाम त्याग कर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। यूरोप की मौजूदा स्थिति को देखकर यही लगता है कि यूरोप या तो प्रतिकार से बच सकता है या फिर स्वधर्म त्याग से, अन्यथा मजहबी संघर्ष केवल यूरोप को ही नहीं पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाला है। आपका क्या सोचना है इन यूरोपीय देशों पर जो लगातार एक कट्टर विचारधारा से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी राय अवश्य कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।